महान जनतागण, यहाँ पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता अभिभावक जयप्रकाश जी, प्रत्याशी अरुण शाह जी और बाजार में जितने हमारे व्यवसायिक हैं और ग्राहक हैं, सभी लोगों का दिल खोल करके हम आप लोगों का स्वागत करते हैं इस नुक्कड़ सभा में और आप लोगों को दिल से धन्यवाद देते हैं कि जो अपने भाई बेटे को आपने आशीर्वाद और प्रेम और समर्थन दिखाने का काम किया है, आप सब लोगों के हम आभारी हैं। सब लोग जान रहे हैं कि उपचुनाव होने जा रहा है और उपचुनाव दो सीटों पर पूरे बिहार में होने जा रहा है, एक दरभंगा का कुशेश्वर स्थान में हो रहा है, एक तारापुर में चुनाव हो रहा है। और चुनाव दोनों जगह किस कारण से हो रहा है यह आप सब लोगों को पता है। जो यहाँ के वर्तमान जो समय के विधायक रहे मेवालाल चौधरी जी उनका देहांत हो, जो कुशेश्वर स्थान के जो विधायक रहे शशिभूषण हजारी जी उनका देहांत हो गया, इस वजह से दोनों जगह जो है उपचुनाव हो। लेकिन मेरा मानना है ये उपचुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि नीतीश कुमार जी नाकामयाब रहे और उनका जो सिस्टम हेल्थ सिस्टम स्वास्थ्य अस्पताल का पूरा जो सिस्टम है पूरी तरीके से फेल हो चुका है। यहाँ के विधायक मेवालाल चौधरी जी लगातार फोन करते रह गए जब बीमार अवस्था में थे कि अस्पताल में हमको भर्ती ले ली, कोई अधिकारी फोन नहीं उठाया। आप समझ सकते हैं उनको प्रॉपर इलाज नहीं मिला, उपचार नहीं मिला, तो वही असली कारण है कि सही मायने में स्वास्थ्य सिस्टम काम नहीं किया, इस वजह से जो है विधायक का जो है निधन हुआ। अगर सही से उपचार हो जाता, बिहार सरकार अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़िया काम करती, आईसीयू की व्यवस्था करती, ऑक्सीजन की व्यवस्था करती, एडमिट करते, अच्छा इलाज होता, तो यहाँ उपचुनाव की जरूरत नहीं होती। तो निधन आखिर हुआ है तो सरकार की विफलता के कारण हुआ है और ऐसे कई मरीज कहीं भी चले जाइए कहीं भी अच्छे से इलाज नहीं हो पाता। आज चले जाइए महंगाई इतना ज्यादा, सब लोग भुगत रहे, डीजल पेट्रोल गैस चूल्हा का दाम आसमान छूता जा रहा है, लोगों का खाली आउटगोइंग चल रहा है, इनकमिंग कुछ है ही नहीं।